गाइस, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं बायोट्रेंड्स। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं लेके आऊंगा, ठीक है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, उसको मैंने हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, पिछला वीडियो इसी पे था। ठीक है, और आज हम लोग जो है, आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करेंगे, तो आज हम लोग जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जितने भी हमारे नए व्यूअर हैं, जिन्होंने हमारी इससे पहले वाले जो पार्ट्स हैं वीडियो के नहीं देखे हैं, तो वो जाकर बिल्कुल देखें, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखते हैं तो ये जो आप पढ़ेंगे इसमें आपको डाउट्स रहेंगे। क्या हो जाएंगे? डाउट्स रहेंगे। मैं कोशिश करूंगा 100% आपको आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए, इसीलिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आप इस वीडियो से पहले उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगर ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मैन, मैन की बात हो रही है, तो एक सिस्टम, अगर हम बात करें, सिस्टम कभी एक चीजों से मिलकर नहीं बनती है। सिस्टम क्या है? बहुत चीजों से मिलकर बनना होता है, यानी कि सिस्टम में किसी एक से सिस्टम नहीं चलता है। ठीक है, किसी एक से सिस्टम नहीं चलता है, तो उसमें बहुत, जैसे हम ही लोग की कोई अगर सिस्टम है, अगर किसी सिस्टम में हम लोग काम कर रहे हैं, तो कोई एक सिस्टम में नहीं होगा, उसमें बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर बात करें, मैन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें टेस्टिस, यानी यहाँ पे क्या हिंदी में बोलते हैं? वृषण। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ने हमसे कमेंट कहा था कि आप हिंदी में भी लिख दिया करिए, ठीक है, हमें मीनिंग समझ में नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उनके लिए जो है स्पेशली मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है, टेस्टिस को हम लोग बोलते हैं वृषण, और दूसरा है स्क्रॉटम। स्क्रॉटम को हम लोग बोलते हैं वृषण कोश। क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। अच्छा, यहाँ नेक्स्ट जो है एपिडीडर्मिस। क्या है? एपिडीडर्मिस, इसको हम लोग बोलते हैं अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण बोलते हैं। दूसरा, नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट क्या है? वास डिफरेंस। क्या है? वास डिफरेंस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं शुक्र वाहिनियां। क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनियां। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूरेथ्रा एंड पेनिस। ठीक है, क्या है? पेनिस, इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि यूरेथ्रा को हम लोग मूत्र मार्ग बोलते हैं, और इसको हम, पेनिस को हम लोग बोलते हैं शीश्न। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड, जो सेक्स ग्लैंड भी होती है, ठीक है, एक्सेसरी सहायक, इसको हिंदी में बोलते हैं सहायक जनन ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? सहायक जनन ग्रंथियां। ठीक है, तो हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे आज हम लोग जो है किस टॉपिक पे, इनमें से किस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, तो एक एक करके, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे टेस्टिस। ठीक है, आज हम लोग टेस्टिस को पढ़ेंगे, ठीक है, और अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। स्टार्ट करते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है टेस्टिस का, यहाँ पे। अब देखिए, इसको समझने के लिए हम लोग पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने थोड़ा बहुत, मैंने कहा था ना कि इसको थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ नया ना लगे, इंट्रोडक्शन हमने कहा था पढ़ लेंगे। तो देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, और मैंने वहाँ पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का एग्जांपल दिया था, देख रहे हैं आप लोग? हाँ। अब बात करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब देखो, पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन, यानी टेस्टिस जो है वो क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके साइज की, तो इसके साइज मैंने आपको बताया था 4.5 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर मोटा, यानी कि थिकर। अगर हम वेट की बात करें, ठीक है, अगर हम वेट की बात करें, तो 10 से 15 ग्राम क्या होता है इसका? वेट होता है। क्या होता है इसका? वेट। अगर हम कलर की बात करें, तो क्या होता है, कैसा होता है? पिंक इन कलर होता है। मैंने पिछले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर हम बात करें शेप की, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, शेप की बात करें, तो इसका शेप कैसा होता है? आप देखो कैसा है, देखने में कैसा लग रहा है आपको, बताओ? अंडे की तरीके का, तो कैसा होता है? अंडाकार होता है, यानी कि ओवल शेप होता है इसका। कैसा होता है? ओवल शेप। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पे मैंने पिछले चैप्टर में आपको, मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या सिक्रीट होता है, तो सिंथेसिस स्पर्म। यहाँ पर क्या बनता है? सिंथेसिस स्पर्म बनता है, और हार्मोन, सेक्स हार्मोन क्या होता है? सिक्रीट होता है। क्या होता है?
सिक्रीट होता है और उस हार्मोन यानी कि मेल हार्मोन का क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है दे आर सस्पेंडेड इन स्पर्मेटिक कॉर्ड व्हिच कंटेन स्पर्मेटिक आर्टरी वेन एंड नर्व्स। ठीक है, मतलब इसका मतलब हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो हिंदी मीडियम है उनको प्रॉब्लम ना हो मैंने इसलिए यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है। ठीक है, वे अंडरकोश की थैली में निलंबित कर दी जाती है, यानी कि जो स्क्रॉटम होता है उसमें टेस्टिस क्या कर दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है निलंबित करने के वास्ते उसमें होता क्या है, जिसमें शुक्राणु धमनी, ठीक है, शिरा और क्या होता है तंत्रिका होते हैं, यानी कि स्क्रॉटम में क्या होता है, अंडकोश की जो थैली होती है उसमें क्या होता है, क्या होता है, शुक्राणु धमनी, शिरा और क्या है, तंत्रिका होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या किया इसके बारे में, इतना हम लोगों ने समझा, इसको नोट करते हैं फिर हम लोग क्या करते हैं आगे बात करते हैं। तो नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम को देखिए पहले। ठीक है, पहला देखिए स्ट्रक्चर को पहले हम लोग समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है एक सबसे पहले बात बता दूं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज कवर्ड बाय, यानी कि इट इज कवर्ड बाय अ थिक लेयर, है ना, टेस्टिकुलर कैप्सुला। ठीक है, मतलब कि अगर हम बात करें तो ये इनमें दो लेयर यानी कि डबल लेयर्ड होते हैं ये। ठीक है, डबल लेयर्ड होते हैं और जिसको हम लोग कहते हैं यानी कि डबल लेयर्ड से क्या होते हैं ये ढके होते हैं। क्या होते हैं ये, ऐसे ढके होते हैं। देखिए यहाँ पे डबल लेयर्ड जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे डबल लेयर्ड से ये क्या होंगे, ढके होंगे और जिसको हम लोग कहते हैं टेस्टिकुलर कैप्सुला। क्या कहते हैं जिसे हम लोग, टेस्टिकुलर कैप्सुला। अगर हम बात करें आउटर लेयर की तो आउटर लेयर ऑफ टेस्टिकुलर कैप्सूला यानी कि जो टेस्टिकुलर कैप्सूला है उसका जो आउटर लेयर है वो कैसा होता है, महीन होता है। फाइन, ठीक है, महीन होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूनिका वेजिनालिस। क्या होते हैं, ट्यूनिका वेजिनालिस करते हैं अगर हम। ठीक है, बिलो दिस थिक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ डेंस वाइट फाइबर कॉल्ड ट्यूनिका एल्बिजिनिया। मतलब कि अगर यहाँ बात करें यहाँ पे कि इसके नीचे क्या होती है, सघन श्वेत तंतुओं की बनी कनेक्टिव टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक, है ना, संयोजी ऊतक की मोटी स्तर होती है। ठीक है, क्या होती है, और ये पूरे टेस्टिस पे क्या होती है, फैली होती है। क्या होती है, पूरे टेस्टिस पे फैली होती है। अच्छा, हम बात करें इसके नीचे, अब इससे इसके क्या होते हैं कि जो निचला स्तर होता है, जो निचला पार्ट जो अगर होता है उस पे क्या होता है उसको हम लोग कहते हैं जैसे कि सेप्टुलर टेस्टिस, है ना। अच्छा, ये डिवाइड होती है यानी कि नीचे अंदर की ओर धस कर कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू की बनी नीचे अंदर की ओर क्या हो जाती है, धस कर भीतर की ओर, ठीक है, धस कर क्या होती है, लगभग 200 से 400 कोन शेप्ड लोब्यूल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। ठीक है, फिर आगे बात करें, अब ये जो लोब्यूल्स हैं, ठीक है ना, लोब्यूल्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। आप देखो 1, 2, 3 या कह सकते हैं कि फाइन और महीन, ठीक है, एंड हाईली कॉइल, और हाईली कॉइल क्या होती है, कनेक्टिव जो कनेक्टिव फॉर्म है ना, ईच लोब्यूल्स कॉल्ड क्या कहते हैं उसको हम लोग, यानी कि उसको हम लोग सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको इससे समझ लो आप लोग, जैसे डायग्राम में अब यहाँ से क्या होते हैं, ये लोब्यूल्स जो होते हैं हाईली कॉइल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हाईली कॉइल हो जाते हैं, और हाईली कॉइल होकर क्या बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग कहते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। क्या कहते हैं हम लोग, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग बढ़े, ठीक है, इसको आगे बढ़ने से पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते थे कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हम लोग ने अभी उसके अभी पिछले में हम लोगों ने पढ़ा, अभी देखिए आगे देख पढ़ते हैं। इन ईच टेस्टिकुलर टिब्यूल्स 2 यानी कि 2 से 3, है ना, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर प्रेजेंट, यानी कि एक जो है टेस्टिकुलर टिब्यूल्स में, यानी कि एक टेस्टिकुलर टिब्यूल्स में 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, उपस्थित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, यानी कि अगर हम बात करें इसको हिंदी में समझें कि सेमिनिफेरस जो टिब्यूल्स होते हैं वो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है वृषण की। क्लियर है, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। एटलीस्ट ईच टेस्टिस कंटेन
750 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, यानी कि कम से कम, ठीक है ना, कम से कम हर एक टेस्टिस में 750 सेमिनिफेरस टिब्यूल्स बनते हैं, ठीक है। फिर अगर हम बात करें टीएस की, अगर हम इसकी टीएस की अगर हम बात करें, तो इसका अगर हम लोग टीएस काटते हैं, जैसे अगर ये वृषण है, इसका हम लोग टीएस काटते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ऐसे आएगा। और अगर हम देखें तो इसके तीन लेयर हो जाते हैं, कितने लेयर होंगे, तीन लेयर होंगे। अब देखिए यहाँ पे पैर इसमें दो लेयर है जैसे, ठीक है ना, ये बाहर वाली लेयर है, इसको हम लोग कहते हैं ट्यूनिका प्रोप्रिया, क्या कहते हैं, प्रोप्रिया। और अंदर वाली लेयर को हम लोग कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम, क्या बोलते हैं इसको, जर्मिनल एपिथीलियम, ठीक है। और जो ये छोटी छोटी जो डॉट्स जैसी दिख रही है, एक छोटे छोटे सेल्स बनते हैं, इनको हम लोग कहते हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल। अब बात करते हैं जो ये आपको बड़े बड़े जो सेल दिख रहे हैं, ये होते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। और ये कैसे होते हैं, इलांगेटेड, और कैसे उससे बने होते हैं, नर्व सेल से होते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ा, मतलब वृषण का हम लोगों ने अगर टीएस काटेंगे तो कैसा दिखेगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और समझते हैं। देखिए जो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स होते हैं उनमें ही क्या होते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होते हैं। अब आगे देखिए बात करते हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया सेल, जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होते हैं, जैसे इसमें क्या है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होगी, इसमें स्पर्मेटोगोनिया सेल्स की वजह से होती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि स्पर्मेटोगोनिया से क्या होता है, वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि किसमें बदलते हैं, यानी कि जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होते हैं वो किसमें बदल जाते हैं, किसमें, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अच्छा ये कैसा होता है, ये डिप्लॉइड होता है, यानी कि टू एन होता है, ठीक है। अब डिप्लॉइड तो मैंने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया था, और हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनता है, और ये कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, यानी कि टू एन होता है। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं, ये फिर ये किसमें बदल जाते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में। अच्छा जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स होंगे वो कैसे होंगे, डिप्लॉइड होंगे, हैप्लॉइड होंगे, सॉरी कैसे होंगे, एन, यानी कि हैप्लॉइड होंगे। अब बात करते हैं कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं यही किसमें बदल जाते हैं, स्पर्मेटिड्स में बदल जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं, स्पर्मेटिड्स में बदल जाते हैं। और ये स्पर्मेटिड्स किसमें बदल जाते हैं, स्पर्म में बदल जाते हैं। और ये स्पर्म जो है क्या है, कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और ये क्या है, ये मेल गैमेट्स है, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो इस जो स्पर्म क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने अभी बताया था सर्टोली सेल, ठीक है। अब ये सर्टोली सेल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं सर्टोली सेल के बारे में भी, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर्टोली सेल से, ठीक है। तो सर्टोली सेल क्या है, ये प्रोवाइड कराते हैं किसको, स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं, क्या कराते हैं, न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और ये क्या करते हैं, रिलीज हार्मोन, यानी कि जो है हार्मोन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। और जैसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं, तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, इसको हम लोग कहते हैं एबीपी वाला, एबीपी नहीं, न्यूज वाला ना, उस पर न्यूज दिखाते हैं, ठीक है, ये हार्मोन्स है, ठीक है। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एबीपी, और दूसरा है इनहिबिन, ठीक है। तो ये कुछ जो इसके सर्टोली सेल के कुछ फंक्शन थे, और ये थे, अब इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In between seminiferous tubules, interstitial connective tissues are present. मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, जो seminiferous tubules के बीच में interstitial connective tissue present होते हैं, which has contained cell in it. इसमें क्या होता है, एक cell बनता है, और उस cell को हम लोग कहते हैं lagging cell. क्या बोलते हैं, lagging cell. इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, तो इंटरस्टीशियल सेल। अच्छा चलिए इसको इसी चीज को अब हम यहाँ पे समझते भी हैं, क्या है ये चीज, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं ये, ठीक है, ये हमारे क्या है, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स हैं,
और इन ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बीच में जो ये स्पेस दिख रहा है ये क्या है, इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यूज है। क्या है ये? इंटरस्टिशियल कनेक्टिव टिश्यूज हैं। और यहाँ पर जो ये सेल दिख रहे हैं आपको, इन सेल को हम बोलते हैं लीडिंग सेल्स बोलते हैं। चलिए अच्छा आगे बढ़े अगर हम, तो इसका फंक्शन अगर हम लोग बोले कि लीडिंग सेल्स का फंक्शन क्या है, ठीक है, अगर लीडिंग सेल का फंक्शन अगर कहें तो ये क्या करते हैं, ये एंड्रोजन को सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं? सिक्रीट एंड्रोजन। और ये कैसा हार्मोन होता है? ये क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, ठीक है। अच्छा आप बात करें अगर हम कि ये क्या काम करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। अच्छा सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, जो क्या होता है, सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि जैसे देखा होगा मेल के दाढ़ी मूछ आ जाना, आवाज क्या हो जाना, मोटी हो जाना, है ना, जैसे फीमेल्स की सुरीली पतली आवाज होती है, ठीक है, उनकी दाढ़ी मूछ ना आना, स्तन आ जाना, ठीक है, तो ये सब क्या है, सेकेंडरी कैरेक्टर है ये सब, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, यानी कि इसके बारे में और क्या, चलिए कुछ बातें जो है और हम लोग इसमें पढ़ लेते हैं, तब तक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कुछ डिजीज पर, मतलब कि कुछ आगे बढ़े, जैसे कि हम लोग डिजीज पढ़ेंगे, मतलब ये क्या है, डेफिशिएंसीज है इनकी वजह से ये कुछ डिजीज होते हैं, क्रिप्टोक्राइडिज्म। तो ये क्या होते हैं इनमें कि टेस्टिस आर नॉट एबल टू, ठीक है, समझ लीजिए यहाँ पे, टेस्टिस आर नॉट एबल टू डिसेंड डाउन इन स्क्रॉटम सैक, यानी कि क्या होता है कि जो स्क्रॉटम सैक जो होता है उसमें जो है टेस्टिस जो है वो नहीं पहुंच पाता, ठीक है, या जा नहीं पाता है, ठीक है, नहीं जा पाता। इसको इस डेफिशिएंसी यानी कि इस डिजीज को हम लोग कहेंगे कि क्या कहेंगे हम लोग, इस क्रिप्टोक्राइडिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट थोड़ा और पढ़ लेते हैं, जैसे जैसे वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है, बट एक टॉपिक तो क्लियर करना ही है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं और कि डेक्टोमी क्या है, और कि डेक्टोमी इसको अच्छा इसको और हम लोग क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन, क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन। और ये क्या करता है, मतलब ये इसमें क्या होता है कि रिमूवल ऑफ टेस्टिस बाय सर्जरी, यानी कि सर्जरी द्वारा क्या हो जाता है, टेस्टिस का रिमूवल, इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन कह सकते हैं, या हम लोग क्या कह सकते हैं, और ही डेक्टोमी कह सकते हैं, ठीक है। अगर आप बात करें कि थोड़ा जाते जाते और भी इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं, ड्यूरिंग अर्ली फीटल लाइफ, यानी कि दे डेवलप एब्डोमिनल कैविटी, यानी कि जब ये डेवलप होते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में ये क्या होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, बट ड्यूरिंग सेवेंथ मंथ ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि डेवलपमेंट के 7 महीने बाद, ठीक है ना, 7 महीने बाद ये क्या हो जाती है, डिसेंट इन स्क्रॉटम, यानी कि ये स्क्रॉटम में चले जाते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे है ये लोग, ठीक है, तो पहले स्टार्टिंग में कहाँ पे होंगे, ऊपर साइड होंगे, कहाँ पे होंगे, ऊपर साइड में होंगे, बट जैसे ही सेवेंथ मंथ होता है फिर कहाँ पे चले जाते हैं, स्क्रॉटम के अंदर, क्लियर है। और स्क्रॉटम सैक है ना, थ्रू किसके थ्रू, यानी कि कोई किसी कैनाल के थ्रू, उस कैनाल को हम लोग कहेंगे इनगुइनल कैनाल, क्या कहेंगे, इनगुइनल कैनाल, ठीक है। अच्छा चलो एक अगर ये वीडियो, जैसे अगर इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यानी कोई डाउट होते हैं, तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना है, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आपको लाइक करना ही है, ठीक है, ठीक है, और जितना हो सके आपको शेयर करिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा मुझे भी वीडियो बनाने में, ठीक है, तो शेयर करिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है, तब तक के लिए बाय।